तो आप लोग का सबका स्वागत है अवलोकन एकेडमी में। शुभम जैन, कल आपको मैंने डेमो क्लास में, लास्ट क्लास में बेसिक्स आपको पढ़ाए थे। जैसे अपन ने डिस्कस किया था जो मेजर कॉस्टिंग की छोटी छोटी टर्मोलॉजी है और जो एलिमेंट्स है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था जैसे कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपना सब्जेक्ट है। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट में अपन ने जाना जो भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और डायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लेबर। तो ऐसे कहे तो उसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों से मिलके अपने को कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। ठीक है, ये अपन ने देखा। इसमें अपने को इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, जो मटेरियल है उसमें डायरेक्ट भी मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट में एक्सपेंसेस। ये अपन ने पढ़ा था तो जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर तीनों कॉस्ट में आता है। तो कॉस्ट में ये जो बेसिक्स लास्ट क्लास में अपन ने देखा, मटेरियल, एक्सपेंसेस और लेबर। तो अब अपन आगे जो नेक्स्ट अपन कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आज शुरू करेंगे जो अपना सिलेबस में है, तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्टिंग से अपन देखते हैं। इस वर्ड से जैसे जब भी कॉमर्स की बात करी जाए, बिजनेस की बात करी जाए, सबसे पहले अपन अकाउंटिंग वर्ड अप पढ़ा है। तो अकाउंटिंग जैसे जैसे डेवलपमेंट आए अकाउंटिंग में, तो इसके इसको ब्रांचेस इसकी जो बनी उसमें इसको बांटा गया। फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग जो 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन लेवल जो सबसे बेसिक्स अपन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिर इसको फर्दर अकाउंटिंग की जो दूसरी ब्रांच आगे चल के कॉस्टिंग जिसमें अपन निकालेंगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फिनेंशियल अकाउंटिंग में अपन पढ़ते हैं फिनेंस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को निकालना। फिनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली बोले अपन जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस का है वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं, वो अपन करते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में। किसका? बिजनेस का। अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई जो भी अपन प्रोडक्ट है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग जो निकालते हैं उसकी जो अकाउंटिंग है वो उससे रिलेटेड हर चीज़ अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं। तो कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट है और सर्विस है इसमें दोनों बातों को कंसिडर किया जाता है।
कॉस्टिंग में किस चीज की कॉस्ट निकालेंगे अपन? हम कॉस्ट कॉस्ट की जो प्रोसेस है कॉस्टिंग में जो पढ़ेंगे वो कॉस्ट अपन हम दोनों इसमें डिस्कस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पढ़ाई जाती है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो ये प्रोसेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसको टेक्निक बोल सकते हैं आप। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रोसेस और टेक्निक है उससे हमको आइडेंटिफाई करनी है कॉस्ट, और वो कॉस्ट किसकी आइडेंटिफाई करनी है? प्रोडक्ट एंड सर्विस की। हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम चेयर बनाते हैं, तो चेयर की कॉस्टिंग जो निकलेगी उस प्रोडक्ट को हमको कॉस्ट निकालनी होगी। तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वो प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स जो अपन ने पढ़े अभी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, वो सब तरह के टोटल करेंगे उसमें तो वो आएगी प्रोडक्ट की कॉस्ट। ऐसे ही कोई सर्विस है, यहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसकी भी हम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी हर कोई भी चीज़, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, उसकी हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के जो टेक्निक है और प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस, जो यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग हमने देखा, फिनेंशियल अकाउंटिंग में कि अपने बिजनेस एज ए होल की प्रॉफिट एंड लॉस हम पता करते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी प्रोडक्ट्स और गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की जो कॉस्ट हमको निकालनी है वो हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक दूसरी चीज़ और इसमें हम करेंगे, जो हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई करी उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक कॉम्पिटिटर है हमारा, वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उससे हम हमारी कॉस्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्केट में ग्रोथ करे, कैसे रेवेन्यू जनरेट करे, तो हमें हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है और उस कॉस्ट को हमको कम भी रखना है ताकि हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हो। तो कॉस्टिंग में हम बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे प्लस उस कॉस्ट को रिड्यूस एंड कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सीखेंगे। तो बेसिकली आपको बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की कॉस्ट को, जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट को निकालने की जो प्रोसेस और टेक्निक है वो पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्लस उस जो हमारी कॉस्ट आई उस कॉस्ट को कैसे हमें कंट्रोल करना है और कैसे रिड्यूस करना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट को हम एक रेवेन्यू, एक प्रॉफिट मार्जिन को चार्ज करके हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सके, उसे सेल कर सके। वो प्रोडक्ट में रेवेन्यू जो मार्जिन है वो हम कैसे पता करेंगे? जब हमको कॉस्ट पता लगेगी तब उसमें हम रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के हमारा जो मार्कअप है तब हम उसको सेल प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग जो टर्म है हमारी, उसमें
फिनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो जो भी हमने हम आप ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये सब हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस जो कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारी जो फर्म है वो कंपनी है तो हम उसको कॉरपोरेट अकाउंटिंग कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हम फिनेंशियल मैनेजमेंट में फिनेंशियल अकाउंटिंग में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग है, पर इसको स्पेसिफिकली हमने अलग ब्रांच को अकाउंट्स में अकाउंटिंग जो जैसे जैसे डेवलप हुई उसको अलग ब्रांच में पढ़ाया जाने लगा। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को पता लगाते हैं, इसमें प्रोडक्ट की सारी कॉस्टिंग निकालने की मेथड्स टेक्निक्स को सबको हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसको रिड्यूस करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारी टेक्निक और प्रोसेस हम किस में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर हमने अकाउंट्स बनाए, कॉस्टिंग कोई प्रोडक्ट की निकाली, अब वो प्रोडक्ट बन गया है, हमने एस्टिमेट कर लिया है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स कोई कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये रोल होता है कि वो डिसीजन लेने में मैनेजर्स की हेल्प करे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली डिसीजंस लिए जाते हैं। ये यहाँ पर हम अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। अब जो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली तो मैनेजर उस पर कैसे उस पर डिसीजन ले, तो मैनेजर्स की जो हेल्प करता है वो डिसीजन लेने में वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजर्स को पॉलिसीज़ बनानी होती है बिजनेस में, उनको प्लान्स बनाने पड़ते हैं, एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो जो सर्वे करते हैं जो मैनेजर्स पहले वो प्रोडक्ट फ्यूचर में हम बनाएंगे तो उसका जो एस्टिमेशन है कि हमारी उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, हमारी उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, तो वो कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी हम इश्यूज है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पता करते हैं। उससे क्या होता है, हमको प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसको हमको पहले से आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स को हमको इंक्लूड करना है। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये मैनेजर। आपकी एक कंपनी है, आप उसको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या आपको कोई सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं तो जो आप सर्विस देने वाले हैं, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, ताकि आप डिसीजन ले सके फ्यूचर में, उसका एस्टिमेशन अपने को पास्ट ट्रेंड के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री की रेट है, जो कॉरपोरेट हिस्ट्री है, तो अपने को फ्यूचर में एस्टिमेशन करना है। तो ये मैनेजर्स की ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये डिसीजन मेकिंग में। तो हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा, फिनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो 11th 12th क्लास में पढ़ा है, जो बेसिक में पढ़ा है, इसमें रिपोर्टिंग्स आती है फिनेंस की, डेटा की, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताते हैं। नेक्स्ट कॉस्टिंग अकाउंटिंग, जो हम यहाँ पर हमारा कोर सब्जेक्ट है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम कंट्रोल भी करेंगे और रिडक्शन करना भी सीखेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़ते हैं वो ये अलग ब्रांच है, इसमें डिसीजन मेकिंग
किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, ये मैनेजर्स के हेल्प, मैनेजर जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो जो हेल्प करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको एस्टिमेट करने में, उसको फ्यूचर में हमारा क्या डिसीजन लेगा, ताकि जो जो कंपनी फर्म है वो अपने पॉलिसीज बना सके, डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इनको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अब डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लियर है ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अकाउंट्स की ब्रांचेज है जिसमें डिवाइड करा हुआ है, सबका अपना अपना सेपरेट पार्ट है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने डेमो में कल लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो उसमें बेसिक्स अपन ने डिस्कस करे थे, है ना। अब अपन सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे अभी ब्रीफ आपको बताया, इसमें कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा, और उसको उसकी जो प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, कैसे कंट्रोल करें, ये देखेंगे। तो कॉस्टिंग में सबसे पहले वर्ड है कॉस्ट। सबसे पहले क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट में एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हमने कर लिए हैं, जो हम कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे खर्चे हैं जो हम इनकर्ड कर चुके हैं, वो हम कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। एक्सपेंडिचर किस चीज में करेंगे? टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर गुड्स, टू प्रोवाइड, टू प्रोड्यूस गुड्स, टू प्रोवाइड सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी खर्चा हमने किया है, जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड किया है, वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी जाती है। या फिर ऐसे कहें, कोई भी सर्विस है, ऑपरेटिंग इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा हमने किया है, एक्सपेंसेस हमने जो इनकर्ड किए हैं, उनका सम अप क्या माना जाएगा? उस सर्विस की कॉस्ट मानी जाएगी। अब एक्सपेंसेस जो है, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड है, जो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हम कर रहे हैं, उसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और यू कैन से ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस एंड और ओवरहेड, ये इन सब से मिलके बना है कॉस्ट।
कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट जब इनका टोटल करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, उस प्रोडक्ट और सर्विस जो हम प्रोवाइड कराएंगे उसकी लागत। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसमें जो आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया है, उसको प्रोड्यूस, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो उस गुड्स और सर्विस की क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग में, हमने अभी देखा सबसे पहले क्या पढ़ा, कॉस्ट। नेक्स्ट जो टर्म यूज की जाती है जो हम पढ़ते हैं वो है कॉस्टिंग। कॉस्ट में हमने देखा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, उस प्रोडक्ट की जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो तीनों कैलकुलेट करके उस प्रोडक्ट की आती है लागत। नेक्स्ट जो शब्द है ये है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग में हम ये पढ़ेंगे, इसको मेथड, कॉस्टिंग जो, ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने के जो मेथड है, मेथड जो है ये है टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्टिंग जो वर्ड है उसमें उसका जो मेथड है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, उस मेथड को क्या कहा जाता है, कॉस्टिंग। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड्स है कोई भी प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के, तो वो सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, कॉस्टिंग में। यह है कॉस्टिंग का मीनिंग। कॉस्ट क्या हो गया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और उसको कैलकुलेट करने के जो मेथड है उससे हम, उस वर्ड का मीनिंग है कॉस्टिंग। और जो थर्ड हम देखते हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको इतना देख के, इतना समझ के, इतना पढ़ के ये तो क्लियर हो ही गया होगा, ये जो सारे टर्म हैं ये सब दिखने में सब सिमिलर लगते हैं, ये मेथड्स और टेक्निक्स जो कॉस्टिंग है, तो इन सबको देख के, पढ़ के इनका मतलब वही है। हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन मेजर है कॉस्टिंग में, वो क्या है, हमको एक प्रोडक्ट मार्केट में जो लॉन्च करना है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई सर्विस है, उस प्रोडक्ट की जो यूनिट प्राइस है वो कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट जोड़ के हमको उसकी सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। तो नेक्स्ट हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं इसमें हम क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट का डेटा है उसको समरी करना, उसको क्लासिफाई करना। जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं उसमें हम फिनेंशियल रिलेटेड जो डेटा है हमारा, जो हमारी रुपए से जिनको वैल्यू, जिनको मेज़र किया जा सकता है, तो अकाउंटिंग में हम क्लासिफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फिर उससे हम फाइनल हमारी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो कॉस्ट रिलेटेड डेटा है उसको क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, हम उसको, हमारे जो कॉस्ट का जो डेटा है उसको हम क्लासिफाई कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे। कैसे, उसको अलग अलग भाग में कैसे बांटना है, उसको किस अकाउंट्स में हमको मेज़र करना है, उसकी कॉस्टिंग से रिलेटेड उस ट्रांजेक्शन को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। फिर नेक्स्ट, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन इन द सेंस जो भी हम प्रोडक्ट हमारा बना रहे हैं, अकाउंट्स हमारे, उनको कैसे हम अपने खाते बही में रिकॉर्ड करें,
जैसे हम फिनेंश में फिनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी लागत लेखांकन के जो लागत लेखे हैं उनमें हम उनको कैसे रिकॉर्ड करें, तो उस वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। कॉस्ट कॉस्ट में हो गया हम मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ के उस प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्टिंग में हो गया उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कॉस्टिंग मीनिंग में हम क्या देखते हैं उस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके जो मेथड है उसको कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है वो देखी जाती है कॉस्टिंग में। नेक्स्ट बच्चों जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें क्लासिफाइंग, और हम उसको पहले हमने क्लासिफाई किया, उसको अलग अलग बाटों में अकाउंट्स में हमने उसको सॉर्टिंग किया, क्लासिफाई किया, फिर हम उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो टर्म्स है जो फिनेंशियल अकाउंट्स है वो फिनेंशियल में डालें, कॉस्टिंग में डालें, और फिर हम उसको जो जो कॉस्ट रिलेटेड डेटा है उसको हम अकाउंट्स में हमारे रिकॉर्ड करेंगे, जो लागत हमारे लेखे हैं, फिर उस डेटा को जो कॉस्ट का डेटा है उसको समरी, उसको फिर समराइजिंग, उसकी जैसे अकाउंट्स में हम करते हैं कोई भी हम ट्रांजेक्शन, हमने सपोज परचेज किया सेल किया तो कोई भी हम माल खरीद के लेके आते हैं, परचेज अगर कोई गुड्स हम करते हैं तो उस माल को जब हम लेके आते हैं तो हम उसको हमारे अकाउंट्स में परचेज आता है उसकी एंट्री करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं कि किस में परचेज करना है, फिर उसको खातों में खताया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उनसे समरी बनाई जाती है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्लासिफाई रिकॉर्डिंग और समरी करेंगे, और वो किस चीज़ की करेंगे, या हम कॉस्ट डेटा की, कॉस्ट का मीनिंग हमने देखा, डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा कॉस्ट से रिलेटेड डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेंस हमने किया है, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए किया है, तो उसको क्लासिफाई रिकॉर्डिंग समराइजिंग करेंगे, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये कॉस्ट हमने पढ़ा, उसमें प्रोडक्ट की लागत आई, कॉस्टिंग पढ़ा, उस लागत को हम कैसे कैलकुलेट करें ये उसके मेथड्स और टेक्निक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने उसको क्लासिफाई करा, रिकॉर्डिंग करा, समराइजिंग करा, किसको करा, कॉस्ट डेटा को। कॉस्ट डेटा जो वर्ड है उसमें हम कॉस्ट अकाउंटेंसी वो मिलके बना है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी वर्ड है ये कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मेथड्स जो टेक्निक्स है, प्लस इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स और यू कैन से टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी बॉटल, कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग प्लस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ये हम पढ़ेंगे। तो कॉस्टिंग प्लस जो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स है उसकी टेक्निक्स है उससे हम क्या करने की, कॉस्ट अकाउंटेंसी में उससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोलिंग का जो हमारा पर्पस है वो ये है, हम कोई भी प्रोडक्ट है
सपोज हम बोर्ड बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी मटेरियल इसमें दोनों आएंगे, अभी हम देखेंगे, मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस। इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हमारे आ रही है ना, लेट्स से 100 रुपीज़। अब वही हमारा कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर वही बोर्ड मार्केट में सप्लाई कर रहा है, और उसके जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 90 रुपये। तो हमें ये देखना है हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कि ताकि हम उस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से के बराबर या उससे कम हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो जो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग प्लस अकाउंट जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़ते हैं, तो उससे हम कॉस्ट को कंट्रोल करना देखते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करना। क्योंकि अगर हम बोर्ड बना रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को कॉस्ट को रिड्यूस, कि हमारे कहाँ पर हम मटेरियल लेबर या एक्सपेंसेस है वो आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे, उसको कैसे रिड्यूस करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, ताकि हम मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव कर सकें। अगर कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम है, हम प्रॉफिट मार्जिन हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा उस सेलिंग प्राइस के कारण, तो प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा रखेंगे तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन जो हम जिस एनवायरनमेंट में वो मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो उसमें हमको हमारी कॉस्ट को कैसे कम करें, तो वो सब की चीज़ें किस में पड़ी जाती है, वो मीनिंग है कॉस्ट अकाउंटेंसी। आई होप ये सब आपको क्लियर है। आप एक बार इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। आप कॉस्ट में लागत, मटेरियल, प्रोडक्ट और सर्विस जो हम देंगे, कॉस्टिंग में उस लागत को कैलकुलेट करने के मेथड, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको कैसे क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग और समरी, जो हमारा किस चीज़ को करना है, जो हमारा कॉस्ट डेटा है। कॉस्ट डेटा को नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो मीनिंग है उसमें हम कॉस्टिंग प्लस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग को कंबाइंडली जो पढ़ेंगे, इन दोनों का रिजल्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है। और उसका जो पर्पस है वो क्या है बच्चों, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना। यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए। तो जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक है वो अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, तो हम इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी का रिलेशन अगर समझें, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटेंस से मिलके बना है कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्योंकि कॉस्टिंग में हमने जो कॉस्टिंग प्लस उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो मेथड्स हमने कॉस्टिंग में पढ़े, कि मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो मेथड्स और टेक्निक्स है वो हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको हम कैसे रिकॉर्डिंग, समराइजिंग डेटा, जो कॉस्ट डेटा है उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, और दोनों से मिलके बनाया कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, ये तो हमारी जो मेजर टर्म है वो हमने यहाँ कंप्लीट करी। जो इंट्रोडक्शन हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं,
इसको पढ़ना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर हमसे जो सब्जेक्ट हम से क्वेश्चन पूछेगा वो, और जो हम आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे, तो वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू, वो सब्जेक्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, वो पिक्चर हमारे माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको इन टर्म्स पे फोकस करवा रहा हूँ, इन पे आपको जोर दे रहा हूँ। यहाँ तक सब क्लियर है? अब जो कॉस्ट का ये मटेरियल, ये लेबर एंड ये एक्सपेंसेस, इन तीनों से मिलके बना है कॉस्ट। अब जो मटेरियल है, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे, ये पेन है, तो इस पेन में जो भी मटेरियल लग रहा है, जो आपको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो तो उसमें मटेरियल में दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, हम उस मटेरियल को बोलेंगे जो आप उस प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये पेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस पेन में जैसा आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक बॉडी बनी हुई है, वो आपको दिख रही है, तो जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा जो गुड्स है उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये माइक है, इसमें वायर लगा है ऊपर, ये वॉइस के लिए यहाँ पर डिवाइस लगी है, इसमें सेल है, तो जिस प्रोडक्ट को आप देख के आइडेंटिफाई कर सके वो उस प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है। तो उस एक्सपेंसेस को, उस मटेरियल को हम किस में कंसिडर करते हैं? डायरेक्ट में। और कुछ मटेरियल है जो आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो उस पे चार्ज है, तो वो हम कंसिडर करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में, जो डायरेक्ट नहीं है, जो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को देख के उस पार्ट, उस प्रोडक्ट में लगने वाला मटेरियल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के जो में डायरेक्ट मटेरियल में काउंट होगा। और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल, जो इंटीग्रल नहीं है, जो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है, वो किस में हम कंसिडर करते हैं? उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में। फिर नेक्स्ट ऐसे ही है लेबर, इस पेन को बनाने के लिए जो मजदूरी लगी है, यानी जो लेबर, जो वर्कर्स पे एक्सपेंस हुआ है, हमने जो हमारा कारखाना है, हमारी फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप है, तो उसके अंदर उस लेबर को बनाने के लिए जो हमने एक्सपेंस किया है वो किस में आता है? डायरेक्ट में। वो डायरेक्ट लेबर में हम उसको पढ़ते हैं, डायरेक्ट लेबर में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल में पढ़ा कि वो गुड्स इजीली आइडेंटिफिएबल है, हम वो इंटीग्रल उसका पार्ट है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में आया। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर में, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मजदूरी हम दे रहे हैं, जो हमारे वेजेस है, वर्कर्स है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में जो हमने एक्सपेंस किया है
वो किस में आएगा? डायरेक्ट। सेकंड इसमें है इनडायरेक्ट, नाम से ही आपको लग रहा है जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। समझना, यहाँ पर हमारा वर्कशॉप में जो हम पेमेंट करते हैं वेजेस का, वो पेमेंट होता है लेबर्स को, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट होता है। वो मैन्युफैक्चरिंग, हमारे जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वहाँ पर खर्च होता है। वहाँ पर वेजेस, एक आदमी अपना मजदूरी बना के ये पेन बनाता है, तो वो जो एक्सपेंसेस है, वो मजदूरी है, वो जो हम पे करते हैं, वो किस में मानी जाती है? डायरेक्ट में। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने मजदूरी तो दे दी, जो वेजेस मजदूर लगे हुए थे। अब जो एम्प्लॉयज़ है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जो वेजेस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको तो डायरेक्ट देते हैं, और जो हमारी कंपनी में ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं हमें, तो उनको जो सैलरी हम देते हैं वो किस में आती है? इनडायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट में जो फैक्ट्री ओवरहेड है, जो फैक्ट्री के अंदर होने, जो वेजेस हम पे कर रहे हैं मजदूरी, वो तो आएगी डायरेक्ट में, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस में आएगा? इनडायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या क्या, जो लेबर लगी हुई है इन सब चीज़ों में, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेबर हम दे रहे हैं वो आएंगे हमारे सैलरी, जो वेजेस हमने मजदूरों को दिए वो तो आ जाएगी डायरेक्ट में, और जो एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दी है वो आ जाएगी इनडायरेक्ट में। समझ गए आप? फैक्ट्री में जो हम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो डायरेक्ट, और जो हमारा ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, उसमें जो हम एम्प्लॉयज़ हमको सर्विस सैलरी दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट में। ऐसे ही हम एक्सपेंसेस में लेते हैं, सेम जैसे हमने डायरेक्ट लेबर में पढ़ा, जो एक्सपेंसेस हमारी फैक्ट्री एरिया में हो रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन का प्लांट है उसमें जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो तो किसमें आएंगे? उन एक्सपेंसेस को क्या कंसीडर किया जाएगा? डायरेक्ट। और जो फैक्ट्री से नहीं है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है एक्सपेंसेस, वो किसमें कैटेगरी में आते हैं बताइए? इनडायरेक्ट। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सबको कंसीडर किया जाता है, और उससे क्या बनती है? हमारे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये है कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, तीनों से मिलके बना है कॉस्ट। आगे करूँ इसको? नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट में, हम दोनों तरह की कॉस्ट को लेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसमें आएगी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इसमें आएगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आएगी इसमें और
इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसमें आएगी। इसका मतलब कॉस्ट में हमको दोनों तरह की कॉस्ट को कंसीडर करना होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो हम एक्चुअल पेमेंट जो कर रहे हैं, मतलब आपकी पॉकेट से जो आप एक्चुअली इनकर्ड एक्सपेंस कर रहे हैं, मनी का जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं, जो पैसा जा रहा है वो खर्चों के लिए हम जो पैसा वो किस में अमाउंट किस में कंसिडर करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। जैसे एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं, आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, जो फैक्ट्री आप चला रहे हैं उसकी जो बिल्डिंग है, जो प्रीमाइसेस है, वो एरिया आपने रेंट पे ले रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे, तो रेंट का एक्चुअल पेमेंट हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट हो रहा है किसको कर रहे हैं? आउटसाइडर को। वापस से समझिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो आप आउटसाइडर को एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं, जिस किसको कर रहे हैं? आउटसाइडर को। हमने यहाँ हमारे एग्जांपल में फैक्ट्री ली रेंट पे, तो जो प्रीमाइसेस हम रेंट पे ले रखे हैं, या फिर हम मशीनरी है, कोई मशीन है उसको हम रेंट पे ले रखे हैं, तो रेंट पे हम ले रखे हैं तो उसका जो रेंट है उसको हम पे करेंगे, वो किसको करेंगे? आउटसाइडर को। तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। कोई भी सैलरी आप पे कर रहे हैं तो जो चीज़ जो आपकी पॉकेट से आप किसी और को दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए? या तो आप कोई उससे माल ले रहे हैं, कोई भी इनपुट्स, कोई भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उसका, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं किसी आउटसाइडर को, किस चीज़ के लिए? या तो इनपुट्स के लिए या फिर कोई सर्विस के लिए। कोई भी इनपुट्स या सर्विस के लिए एक्चुअल में जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस में आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। रेंट दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, आप उनकी सर्विस ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया फॉर इनपुट्स फॉर सर्विस, इनपुट्स सर्विस आपने ली तो उसके लिए आप कोई सैलरी पे कर रहे हैं, इनपुट्स हो गया, रॉ मटेरियल जो हमारा गुड्स हम जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इसका अपोजिट इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपको एक्चुअल पेमेंट किसी और को नहीं करना है, आपको एक्चुअल में किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करना है इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। एक्सप्लिसिट में एक्चुअली हम पेमेंट कर रहे हैं कोई भी गुड्स और सर्विस को लेने के लिए, पर इम्प्लिसिट में हमको एक्चुअल में आउटसाइडर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये इनपुट्स जो इसमें, यहाँ पर जो इनपुट्स आ रहे थे वो तो हम बाहर से आउटसाइडर से परचेज कर रहे थे, और यहाँ पर इनपुट्स कहाँ से आते हैं? इनपुट्स आते हैं फ्रॉम ओनर,
मतलब जो मालिक है, जो हम खुद, हम हमारी तरफ से जो हमारी कंपनी में इनपुट्स दे रहे हैं, तो हमको खुद को तो पेमेंट करना नहीं है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है? वो सॉरी, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है, आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करना है। तो इसमें हम वैल्यू कैसे लेंगे? जो भी गुड्स और सर्विस है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है? इसका एग्जांपल हम अगर लेवें तो सपोज हमने कैपिटल दे रखी है, तो उसका इंटरेस्ट, जो भी हमने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है उस पे जो इंटरेस्ट है, या फिर सपोज हमारी खुद की बिल्डिंग है, खुद हमारी प्रॉपर्टी, हम ओन्ड प्रॉपर्टी में तो हमें रेंट देना नहीं है, तो वो जो रेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू, रेंट ऑन सेल्फ प्रीमाइसेस, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम लेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।